नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। जयंती बाजार विस्तार में नई शराब की दुकान को लेकर जयंती बाजार व्यापार मंडल ने दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल महामंत्री सुरेश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि जबकि वहां पर पहले से ही शराब की दुकान खोली गई है, जो कि अवैधानिक है क्योंकि शराब की दुकान के नजदीक मंदिर व सरकारी अस्पताल लगभग 90 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि यहां पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है जिससे हमें दुकान चलाने में परेशानियां होती है। दुकानों पर महिलाओं को देखते रहते हैं और छेड़छाड़ करते हैं जिससे आए दिन झगड़ा होने का डर रहता है। शराबियों द्वारा नजदीक ही मंदिर परिसर में झगड़ा व बैठकर शराब पीते हैं जिससे हमारी दुकानों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहां से महिलाएं भी नहीं निकल सकती। जयंती बाजार विस्तार में इलेक्ट्रॉनिक सामान व घरेलू एम्प्लायसेंस का व्यापार मुख्य जाता है जिसमें महिला ग्राहकों का आवागमन बहुत अधिक होता है। बाजार में शराब की दुकान खुलने से अव्यवस्था व शराबियों द्वारा उत्पाद किया जा रहा है, इस कारण बाजार का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर व्यापारियों में रोष गुस्सा है। स्थानीय नागरिक भी इस दुकान को लेकर वार्ड 70 के पार्षद गिरिराज नाठा, अशोक कुमार गायवाला, बिलाल अहमद, नारायण मोतियानी, नीलम जैन, हरीश माणी, सुरजीत सिंह चावला, गौतम हीरानंदानी, प्रकाश चंद अग्रवाल, दिनेश कुलवाल, दिलीप मोटवानी, यशपाल कुमावत, कमर अली, संयुम गौरी चांद, मोहम्मद छुट्टन कुरेशी, मोनू अटवाल, राजेंद्र बेरवा, प्यारेलाल, कुलदीप मीना, मुकेश शर्मा, मूर्तिकार किशनपुर मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, त्रिलोक शर्मा, अशोक गुर्जर व कॉलोनी वासियों आदि गणमान्य लोगों द्वारा अत्यंत विरोध किया जा रहा है। अगर यह दुकान कहीं और स्थानांतरित नहीं किया गया तो हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे।